Hello everyone, and I you all to our channel, आप अपने इंडियन इकोनमी सेक्शन में भी फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इससे आपकी आंसर शीट और ज्यादा अट्रैक्टिव एंड इंफ्लुशियल लगेगी सबसे पहली टिप जो आपको यूज करनी है आप जब भी अपना कोई थेटिकल आंसर लिखेंगे आपको लॉन्ग पैराग्राफ्स में लिखना अवॉइड करना है यानी कि अवॉइड यूजिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स अच्छा तो फिर लिखना कैसे है आपको आपका आंसर आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आंसर्स को पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखें यानी कि इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लाइक फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आता है वट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनोमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है ना या कुछ एजुकेशन सेक्टर की या मान लो एग्रीकल्चर के बारे में आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप बता सकते हो है ना लो प्रोडक्टिविटी ऐसे प्रिमेटिव टेक्नोलॉजी आपको इस तरीके से आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में आपका आंसर लिखना होगा सेकेंड आप जो भी पॉइंट्स लिखोगे आप उसका एक प्रॉपर हेडिंग दीजिए ऐसा नहीं कि यहीं पर शुरू कर देना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज लो है ना या आप ये लिखना शुरू कर दो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन लैंड वॉज वेरी लो ऐसे नहीं लिखना आपको प्रॉपर हेडिंग्स प्रॉपर सब हेडिंग्स को के साथ आपका आंसर लिखना चाहिए यानी कि देर शुड बी सूटेबल हेडिंग्स एज पर योर एक्सप्लेनेशन जैसी एक्सप्लेनेशन आप देने जा रहे हो वैसी सूटेबल हेडिंग्स आपको उसके साथ देनी चाहिए जहाँ पे हेडिंग्स की जरूरत है वहाँ हेडिंग्स जहाँ पे सब हेडिंग्स की जरूरत है वहाँ पे सब हेडिंग्स आपको आपके आंसर में इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आप यूज कर सकते हो इज यूज द फैक्ट्स एंड फिगर्स Wherever you can अब इंडियन इकोनॉमी है ठीक है ना लेमैन लैंग्वेज में बात ज्यादा नहीं करनी है प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज के साथ ओवर टेक्निकल लैंग्वेज नहीं जाना ठीक है ओवर टेक्निकल यानी कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना कि वो एग्जामिनर को ही समझ में ना आए आपको यूज करने हैं कुछ ऐसी टर्म जैसे मैं यूज करूंगी द लैंड प्रोडक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे वर्ड्स के साथ आपको आपके आंसर्स लिखने चाहिए आपको प्रॉपर जहां पे फैक्ट्स की जरूरत है वहां पे फैक्ट्स यूज करने चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखूँ द लैंड प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो अच्छा कैसे आप बताइए ना फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन वॉज कितनी लो है प्रोडक्शन आप लिखिए कि इन की प्रोडक्शन इन 1947 वाज 64 लाख टन ओनली के ना? तो के के साथ फैक्ट्स फिगर्स के साथ अपने आंसर को अपने आंसर को को बताइए एक्सप्लेन कीजिए यानी कि जहां जहां आप एग्जांपल दे सकते हो जहां जहां पे आपको फैक्ट्स दे सकते हो अपने फैक्ट्स के साथ अपने पॉइंट को प्रूव कीजिए ओके फोर्थ टिप जितना ज़्यादा हो सके आप उतने ज़्यादा अपनी आंसर्स में इंफॉर्मेशन को डालिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेमन लैंग्वेज आप यूज करोगे लेमन लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं करनी है सूटेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यानी कि अगर आप पॉइंट लिख रहे हो एजुकेशन के बारे में तो प्रॉपर एजुकेशन के बारे में ही लिखना है जिसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो यानी कि अपने आंसर्स में Proper names का रेफरेंस दीजिए अपने answers में proper का दीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, है ना? यानी कि आपको क्या करना है? Names, ears, कोई committee, कोई corporation, कोई भी तरह की recommendation अगर आप दे रहे हो तो उसका रेफरेंस साथ में दीजिए प्रॉपर रेफरेंस शुड भी देर प्रॉपर रेफरेंस इनके साथ आपको देनी चाहिए जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ये बता रहे हो कि एजुकेशन uh, के बारे में कि इंडिया में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन तो इस पर एक रिकमेंडेशन है तपस मंजूमदार कमेटी की इसका रेफरेंस आपकी बुक में भी है तो उस कमेटी की रेफरेंस आप यहाँ पे अपने आंसर्स में भी दीजिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ तपस मजूमदार कमेटी क्लियर फॉर एग्जाम्पल अगर आप डब्ल्यू की बात कर रहे हो तो आपको प्रॉपर ईयर माइंड में होना चाहिए कि डब्ल्यू टी में आया था किस एग्रीमेंट से आया था ठीक है ना तो वो सारा कुछ आपके आंसर्स में अगर इंक्लूड होगा तो इससे आपकी नॉलेज डिफाइन होती है तो एग्जामिनर आप पे डाउट नहीं करेगा एग्जामिनर के भी डाउट्स क्लियर होंगे तो वो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स देंगे लास्ट बट द इम्पोर्टेंट टिप जो आप यूज कर सकते हो इज कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करके जाइए यानी कि प्रैक्टिस एज मेनी सैंपल पेपर्स एज यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी सैंपल पेपर्स एज यू कैन जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करके जाइए इससे दो फायदे होंगे सबसे पहला आप अपने एग्जाम के पैटर्न से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे यानी कि आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से कितने टाइम में आपका आंसर्स लिख सकते हो, कितने टाइम में आप अपना कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम सेकंड, आप किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके से आपको एकदम से आंसर माइंड में क्लिक करना है तो वो सब आप उसी तरीके की प्रैक्टिस आप घर से करके जाइए ठीक है ना इससे आपको वहां पे बिल्कुल नया नहीं लगेगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड फील होगा ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट फाइव टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप अपनी आंसर शीट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो तो देखिए सबसे पहले लॉन्ग पैराग्राफ्स अवॉइड करने हैं सेकंड आपको प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स देनी है थर्ड जहां पे हो सके वहां फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज करना है फोर्थ आंसर इतना सूटेबल होना चाहिए कि जहां पे किसी नेम किसी ईयर किसी कमेटी की रिकमेंडेशन किसी का रेफरेंस देना पड़े वो आप दे सको लास्ट प्रैक्टिस मेनी पेपर्स यू कैन इससे आपके इंडियन इकोनॉमी में हंड्रेड परसेंट मार्क्स स्कोर होंगे और फुल मार्क्स स्कोर करके आपका भी मैरिट स्कोर अच्छा होगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू